किसी का दिल दीवाना पसंद है, किसी का दिल का नजराना पसंद है, औरों की तो खबर नहीं, लेकिन मुझे तो आपका मुस्कुराना पसंद है। हाय गाइस, नमस्कार, खम्मागणी, मैं परी गहलोत राजस्थानी कॉमेडी शो भाग दो में आपका स्वागत है। मेरा पापा मैंने तो घने ही लाड करे और मेरी मम्मी भी घने ही करे, पर मेरी मम्मी क्यों है कि छोरी कॉमेडी तो करे ठीक है, पर इंतहा में नंबर कम आया ने हट के भोंदुला। देखो सा, एक सच्चे राजस्थानी जिम नहीं जावे, सिर्फ जिमड़े जाया करे, और राजस्थानी रूप ड्रग ग्रुप होवे की पॉजिटिव। राजस्थानी लोग बीमारी ठीक हो जावे नी, उन्हें सिर्फ डॉक्टर ने दे देवे, रुपया ने देवे। 3000 रुपया लाग गया जद कड़े ठीक हुए हो। वोट का रिजल्ट आते ही लाखों नौजवानों का भविष्य तय हो जाता है। बिना ब्याह होई कौन दुकान खोली, कौन डॉक्टर बनी, कौन अफसर बनी, कौन इंजीनियर बनी, कौन चपरासी बनी, और कौन कौन गया वैसे चराई। गौर फरमाइएगा, जी करता है तेरे पास आके रुक जाऊं, ना बैठूं ना बोलूं, और तेरे से आंखें मिलाऊं, बस तेरे इन प्यारी सी आंखों में संतरे का छिलका निचोड़ के बांध जाऊं। एक लुगाई कहवे, सुनो जी, जब यहाँ पहली बार मेरा घूंघट उठाया तो थाने कहना ला गया था, तो आदमी कहवे, वाह कसम मैं तो मर ही जाता अगर टीवी माते आहट देखने आदत को नहीं होती। एक व्हाट्सएप कहवे, अगर भूकंप आ जावे नहीं हमेशा खुले में जाना चाहिए। जितने में एक छात्र बोलिया, खुले में जानो वास्ते विद्या बालम मना किया है। तो मार्सा बोले, गेट आउट इडियट। आख्या तो आदमी ब्याने ढूंढ रही है, जिसको बचपन ने अफवाह फैलाई थी कि मोर पंख किताब में रखे हूँ विद्या वे। आजकल तो हिंदी भाषा भी सरल नहीं है, आजकल रा टाबरिया ने हिंदी तो दोनों ही समझ जावे। मार्सा कहवे, राम स्वरूप बीमार था, फल स्वरूप मर गया, सब लोग इसका अंग्रेजी में अनुवाद करो। तो पप्पू बोलियो, मार्ट साहब बीमार राम स्वरूप तो फल स्वरूप क्यों मरियो? मार्ट साहब कहे, मर्ख, इसका मतलब है राम स्वरूप बीमार हुआ, परिणाम स्वरूप मर गया। तो पप्पू कहे, लाख तीसरा मर गयो, जो बीमार है वो क्यों नहीं मरियो? अर्ज क्या है, हम तो बदनाम हुए इस कदर, टाइम देखने के लिए मोबाइल बाहर निकालते है तो कई लोग कहे कि दिन भर व्हाट्सएप चलावे। एक आको मार साहब ने पूछे, मारो छोरो पढ़ाई में की करे? तो मार साहब पाछा बोले, कक्का यू समझ लो, आर्यभट्ट ने जीरो री खोज थाने छोरा वास्ते इच की। एक आदमी शादीशुदा आदमी ने पूछे कि आप शादी से पहले क्या करते थे? बिचारी आंखों में आंसू आ गया और बोलियो, जो मारा मन करता वो करता था मैं तो की नहीं कर सकूं। एक छोरो साधु बाबा ने पूछे, बाबा जी कोई छोकी छोरी रो हाथ पकड़ने वास्ते कई करूं? तो बाबा जी बोलिया कि नहीं मोल रे बारे मेहंदी लगाना काम स्टार्ट कर दे। आजकल ये छोरियो बट्टो इतो मोटो लेने हाले की मैं 2 किलो कंधा और आधी बोरी गेहूं आ जावे। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते है, अपने तो वो होते है जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। एक छोरी बोले, हेलो मैं कविता बोल रही हूँ। तो छोरो बोले, हाँ बोलो मैं ताली बजा रही हूँ। देखो सामारी कॉमेडी छकी लागी तो इन्हें शेयर जरूर कर जाओ, क्योंकि नन्ही सी बच्ची हूँ, इन्हें हौसला अफजाई जरूरी है। राम राम।